आलसी गधा, बंदर कुत्ता और शेर। बंदर और कुत्ता दोनों बातें कर रहे थे। अरे दोस्त, अब क्या करें? शेर महाराज ने गधे को जंगल के सफाई का काम दिया था, पर देखो ये कैसे सोकर है। कब से इसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये उठ ही नहीं रहा। अरे अब हमें ही साफ सफाई करनी होगी। शेर महाराज कल सफारी के लिए निकलेंगे और जंगल साफ सुथरा नहीं दिखाई दिया तो वो हमारे दोस्त गधे को सजा देंगे। इसे बचाने के लिए अब हमें ही जंगल साफ करना होगा। बंदर और कुत्ता अपने दोस्त आलसी गधे को सजा से बचाने के लिए जंगल को साफ करते हैं। आलसी गधा आराम से जगता है, तब बंदर और कुत्ता उससे कहते हैं, हो गई नींद गधे महाराज, बोलो और कुछ चाहिए तो वो भी ले आते हैं। हाँ यार, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, खाना मिलेगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। अरे तुमसे तो हम दोनों तंग आ चुके हैं, महाराज ने दिया हुआ काम किया क्या तुमने? अरे यार मैं तो भूल ही गया, चलो आप कर लेते हैं। अरे पर मुझे तो बिना खाए पिए चक्कर आ रहे हैं। एक काम करो, आज के लिए ये काम तुम ही कर दो ना। हे भगवान, किस घड़ी में हमारा दोस्त बन गया ये समझ नहीं आ रहा। अरे गधे, कर दिया तुम्हारा काम और कम से कम दोस्तों के साथ तो नाटक मत किया कर। अरे वाह, दोस्तों तो तुम जैसे, चलो मैं फिर से सोने जाता हूँ। गधा फिर से सो जाता है। बंदर और कुत्ता अपना तो सर पकड़ लेते हैं कि तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, गधे की इस हालत के लिए तुम दोनों ही जिम्मेदार हो, तुम दोनों की वजह से वो और ज्यादा आलसी बन रहा है। अरे पर हिरन हमने किया क्या है? हम भी तो उसे हमेशा आलस छोड़ने के लिए कहते और समझाते रहते हैं। तुम दोनों उसे बिना समझाए उसकी हर बात मानते हो, उसे हमेशा बचाते रहते हो, जैसे कि आज किया। अभी भी वक्त है, अपने दोस्त को तुम खुद सुधार सकते हो। एक बार तो भी उसे सजा मिलनी चाहिए, तभी तो वो सुधरेगा, उसे उसकी जिम्मेदारी की जान होगी। हिरन की बातों से उन दोनों की आंखें खुल जाती है। वो दोनों अब गधे को सुधारने का ठान लेते हैं। वो दोनों दूसरे दिन से गधे से दूर रहने लगते हैं। गधा आराम से उठकर बंदर और कुत्ते से कहता है, अरे दोस्तों, आज महाराज ने क्या काम दिया है? मैं तो सभा में गया ही नहीं था। हम तुम्हारे नौकर नहीं है, क्या काम है ये तुम खुद जाके पता करो। और हाँ, अपना खाना भी आज खुद ही ढूंढ लेना। अरे आज ये तुम दोनों को क्या हुआ है? भला अपने दोस्त के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? वैसे मुझे तो लगता है कि तुम दोनों मेरा मजाक कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? वो दोनों कुछ भी ना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब गधे को सारा काम करना जान पर आ रहा था। ऊपर से शेर ने आज भी उसे जंगल की सफाई का काम दिया था, पर आदत से मजबूर गधा हर बार आलस में सोते रहता है। उसका सफाई का काम पूरा ही नहीं होता। और जब शेर महाराज जंगल सफारी पर निकलते हैं, तब वो देखते हैं कि जंगल तो साफ सुथरा हुआ ही नहीं। तब वो गधे को तुरंत अपने पास बुलाते हैं और उसका कारण पूछते हैं। तब गधा कहता है, महाराज आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा काम पूरा नहीं हो सका। आपको तो पता है ना महाराज, मैं अपना काम किसी भी तरह बराबर और समय से करते रहता हूँ। गधा महाराज के साथ भी झूठ बोलता है। तब कुत्ता और बंदर वहाँ आते हैं। बंदर शेर महाराज से कहते हैं, महाराज माफ कर दीजिएगा, दरअसल आज तक गधे के सारे काम हम दोनों मिलकर करते आ रहे हैं, जिस कारण ये आलसी बन गया है, और आज तो ये आपसे तबीयत का झूठा कारण भी बोल रहा है। शेर महाराज सारी बात समझ जाते हैं और गधे को सजा सुनाते हुए कहते हैं, अरे आलसी गधे, तुम्हें जंगल के 10 फेरे लगाने होंगे और फेरे लगाने के बाद जंगल की सफाई भी करनी होगी। चाहे कितनी भी रात हो जाए, लेकिन कल से बिना आलस के सारे काम करोगे तो ही तुम इस जंगल में रह सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। गधा शेर से माफी मांगता है। गधा उसे मिली हुई सजा पूरी करता है। जंगल से निकल जाने के डर से जंगल की वो साफ सफाई करता है।
उसमें आए हुए इस बदलाव से बंदर और कुत्ता दोनों भी खुश हो जाते हैं। गधा उन दोनों के पास आकर कहता है, तुम दोनों ने जानबूझकर ये सब किया ना, ताकि मैं सुधर जाऊं। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं आज से कभी आलस नहीं करूंगा। इस तरह से आलसी गधा सुधर जाता है। उस दिन के बाद से वो तीनों दोस्त मिलकर हर काम मिलजुल कर करने लगते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। सुनहरा शतुरमुर्ग अंडा। एक घने जंगल में एक चूहा अकेले ही खेल रहा था। वो एक जगह से लेके दूसरी जगह उछल कूद कर रहा था कि तभी वहाँ एक सुनहरा अंडा चूहे के पास आता है। सुनहरे अंडे को देखकर चूहा चौंक जाता है। अरे, ये कैसी गेंद है जो सोने के जैसे चमक रही है? शायद किसी और का होगा ये, लेकिन क्या मैं इसके पास जाऊँ या ना जाऊँ? चलो जाने दो, मुझे क्या, मैं तो अकेला ही खेलूंगा। ऐसा कहकर चूहा खेलते खेलते आगे जाने लगता है तो उसके पीछे भी वो सुनहरा अंडा भी जाने लगता है। चूहा जब सुनहरे अंडे को पीछे आते देखता है तो वो डर जाता है। अरे, ये गेंद मेरे पीछे क्यों पड़ी है? पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। अब तो मुझे तेजी से घर पहुंचना होगा। चूहा अब तेजी से भागने लगता है तो सुनहरा अंडा भी उसके पीछे से तेजी से भागने लगता है। चूहा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ वो सुनहरा अंडा भी जाता था। फिर क्या, चूहा एकदम से रुक जाता है तो अंडा भी रुक जाता है। तब चूहा सुनहरे अंडे से पूछता है, अरे ओ सुनहरी गेंद, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुमने आखिर मुझे क्या समझ रखा है? मेरा पीछा किया ना तो मैं तुझे मारूंगा, समझे ना? चूहे की बात सुनकर सुनहरा अंडा बोल पड़ा, अरे मैं कोई गेंद नहीं हूँ, मैं तो शतुरमुर्ग का सुनहरा अंडा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ डराने नहीं आया, मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा तो मेरा भी मन तुम्हारे साथ खेलने का हुआ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे और मेरे साथ खेलोगे? दोस्ती और तुमसे? लेकिन मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, सुनो अंडे, मेरा एक और दोस्त है तोता, वो अभी आता ही होगा, उसके आते ही हम तीनों मिलकर खूब खेलेंगे। वाह, और एक दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्त चलो ना, तब तक हम दोनों खेलते हैं। चूहा सुनहरे अंडे के साथ खेलने लगता है। उधर सुनहरे अंडे की माँ शतुरमुर्ग उसे जंगल में ढूंढ रही थी। वो अपने अंडे के लिए बहुत ही चिंतित दिख रही थी। उसे ऐसे चिंतित तोता देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे शतुरमुर्ग, तुम ऐसे चिंतित होके किसे ढूंढ रही हो? क्या हुआ, कुछ गुम गया क्या तुम्हारा? अरे क्या कहूँ तोते, मेरा सुनहरा अंडा पता नहीं कहाँ चला गया। कब से ढूंढ रही हूँ उसे, दिख ही नहीं रहा। मेरे बच्चे का अंडे से निकलने का समय आ गया है और ऐसे में किसी जंगली जानवर ने उसे देख लिया तो? ना बाबा ना, ऐसे सोचते ही मेरा दिल बेटा जा रहा है। अरे ऐसे घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे सुनहरे अंडे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और जैसे ही उसका पता लगा तो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। तोता वहां से उड़कर सुनहरे अंडे को ढूंढने निकलता है। तोता उड़ते हुए सुनहरे अंडे को चूहे के साथ देख लेता है। वो उनके पास जाता है और कहता है, अरे ये सुनहरा अंडा तुम्हारे साथ है? उधर उसकी माँ शतुरमुर्ग उसे पूरे जंगल में ढूंढ रही है। अगर उसे पता चला कि तुमने उसके अंडे को चुराया तो वो तुम्हें मार डालेगी। अरे दोस्त, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो सुनहरा अंडा खुद मेरे पास आया, पूछो उससे। कि तभी सुनहरे अंडे से सुनहरा शतुरमुर्ग बाहर आता है। चूहा और तोता उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि तभी वहाँ माँ शतुरमुर्ग आती है। अपने बच्चे के सामने चूहा और तोते को देखकर वो घबरा जाती है और मन ही मन में सोचती है, अच्छा तो तोता और चूहे ने मेरे बच्चे को चुरा कर यहाँ लेके आए, ये इन दोनों का प्लान है मेरे बच्चे को मारने का। इसीलिए तो तोते ने मुझसे झूठ कहा कि वो मेरे बच्चे को ढूंढ लाएगा ताकि मुझे उस पर कोई शक ना हो। अब तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सोचकर माँ शतुरमुर्ग चूहे को अपने पंजों में दबोच लेती है और कहती है, मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम्हारी माँ आ गई है तुम्हें बचाने के लिए। क्यों रे तोते, मुझसे झूठ बोला? अब तुम दोनों को कौन बचाएगा मुझसे? हाय रे, ये क्या कह रही हो? पहले मेरी पूरी बात तो समझ लो। तोता भी बात करने की कोशिश करता है, पर माँ शतुरमुर्ग उनकी बात नहीं सुनती। तुम दोनों तो अब चुप ही रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सब पता चला है कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ शतुरमुर्ग चूहे को छोड़कर तोते पर हमला करने जाती है, तो तोता वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। माँ शतुरमुर्ग तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, तब सुनहरा शतुरमुर्ग ये सब देखकर अपनी माँ के पास जाता है और सारी सच्चाई बताता है। माँ, सच में इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। वो तो मैं ही खेलने की लालसा में इनके पीछे पीछे आया था। माँ, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरे साथ दोस्ती की है। माँ, ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। इन्हें छोड़ दो माँ। बच्चे की बात सुनकर माँ शतुरमुर्ग को उन दोनों पर यकीन आता है और वो दोनों को छोड़ देती है। उस दिन के बाद से चूहा, तोता और सुनहरा शतुरमुर्ग अच्छे दोस्त बनकर रहने लगते हैं।